आज एक अनपढ़ गांव की कहानी है। वहां जब पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता है तो एक घर में बिना पढ़ाई लिखाई के, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए क्या बवाल मचता है, क्या हंगामा होता है। देखिए, पोस्टमैन जा रहे हैं चिट्ठी लेके बांटने के लिए। पोस्टमैन ने चिट्ठी दे दी है तुकाराम के घर, जो कि दोनों ही लोग बिना पढ़े लिखे हैं, और उनका एक नाती नौकरी करने गया हुआ है, और जो नातनी उनके पास रहती है छोटी सी, वो स्कूल पढ़ने के लिए गई हुई है। लेकिन उसे चिट्ठी में काले काले अक्षर दिखाई देते हैं, बस जैसे कि चींटे रेंग रहे हैं। अब वो कहती है, लाओ मैं किसी को चिट्ठी पढ़वा के देखती हूँ। इसलिए वो अपने गांव में ही घूम कर जाती है कि शायद कोई चिट्ठी पढ़ दे। गाँव में घूम लेती हैं कि कोई तो उनकी चिट्ठी पढ़ दे। गाँव में कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं है। उसके बाद बूढ़े बाबा कहते हैं, ला मुझे दो चिट्ठी, मैं वो खेत में काम कर रहा है उससे पढ़वा के आता हूँ, शायद वो किसान पढ़ा लिखा हो। बूढ़े बाबा किसान के पास पहुंचते हैं। हमका नहीं पढ़ने आता, हम किसान है, काम करते रहते हैं। वो किसान भी कभी स्कूल नहीं गया। लड़की स्कूल पढ़ने गई हुई है, वो छुट्टी होगी तब घर आएगी। लगता है कि जो चिट्ठी आई है उसमें कोई बुरी खबर जरूर होगी, क्योंकि कोई भी पढ़ना नहीं जान रहा। तो बुढ़िया ने अंदाजा लगाया कि कुछ दिन पहले मेरे मायके में मेरे दादाजी बीमार थे, वो लगता है भगवान के पास चले गए। और ये सोच के रो रो के वो बुढ़िया बेहोश हो गई। बेचारे बूढ़े बाबा सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तब तक उनकी लड़की स्कूल से पढ़कर आती है। लड़की जब देखती है कि मेरी बूढ़ी अम्मा बीमार हैं, तो वो डॉक्टर साहब को लेकर आती हैं। डॉक्टर साहब उन्हें देखते हैं, दवाई देते हैं। देखते हैं कि एक कागज लेकर बुढ़िया रो रही है। डॉक्टर साहब उस कागज को पढ़कर देखते हैं, उसमें लिखा होता है, उसमें लिखा हुआ है कि बूढ़ी अम्मा का नाती जो कि पढ़ने के लिए गया था, उसकी नौकरी बढ़िया उसकी नौकरी लग गई है।
इतना सुनते ही अम्मा को होश आ जाता है और अम्मा उठ के बैठ जाती हैं और घूमते हुए टीचर भी पहुंचते हैं। टीचर भी कहती है कि टीचर कहती है अम्मा टीचर बताती हैं कि अम्मा अगर आप पढ़ी लिखी होती तो इतना दुख क्यों होता। Thank you.